Hi everyone, good morning. Hi guys, good morning everyone, good morning. कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू गाइस डूइंग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो या सो फाइनली वी आर हैविंग द सेशन इन द मॉर्निंग टुडे. एंड या आई मीन जनरली 9:30 बजे होता था, बट आज फिर भी थोड़ा सा डिले हो गया, हाफ एन आवर. नेवरदलेस सो कल से कोशिश करेंगे कि 9:30 पे क्लास हो. आज थोड़ा सुबह हल्के से थोड़े से टेक्निकल इशूज़ थे यूट्यूब पे, नॉट फ्रॉम द सर्वर एंड, बट आई गेस देयर वाज सम इशू इन द मॉर्निंग, जिसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू गो लाइव. तो इसलिए आई हैड टू आस्क द टीम टू मेक इट कि 10 बजे जा पाए. अभी तो खैर मॉर्निंग में तो अभी आई गेस लोग उतने हैं नहीं, सो वी विल नॉट गेट, वेल वेल विल गेट द क्विज डन प्रोबेबली इन द इवनिंग. या फिर यू गाइस वांट टू डू सम लाइक अ क्विज, अ क्विक क्विज करना चाहते हो आप लोग, तो वी कैन डू अ क्विज. बताओ कौन से टॉपिक पे क्विज करना है आप लोग को. वी कैन डू अ क्विक क्विक क्विज अभी. वी कैन डू प्रॉबली डू अ 5 क्वेश्चन का क्विज कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं. आज रात को स्पेशल क्लास भी है. हाँ 10:30 बजे. ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर. ज्योग्राफी में करते हैं, बहुत दिनों से ज्योग्राफी पे कोई क्विज नहीं हुआ है, तो आई थिंक लेट्स डू अ क्विज ऑन ज्योग्राफी. Let's do a geography one. Okay, the code is 084076. I'll share the code. It's 084076. देखते हैं आप लोग की ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कैसी है आज. अच्छा बाकी लोग जरा बाकी सारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से फटाफट क्विज शेयर कर दो जल्दी से. आईफोन में नहीं है अभी, अभी एंड्रॉयड पे है. अभी 13 अभी अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं इसमें और लोग.
ओके हाय हरी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी लोग आ गए हैं। ऐसा क्यों आ रहा है अभी तो? मतलब आई डोंट नो व्हाई इट इज कमिंग लाइक दैट। आना चाहिए चिंटू आपके पास भी क्विज। दो मिनट रुकते हैं, काफी सारे लोग आ रहे हैं। विल वेट फॉर अदर पीपल आल्सो टू जॉइन इन और फिर हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं फिर अपना। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्विज। स्टार्टिंग द क्विज। सो डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। पहला क्वेश्चन आ गया है पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन को लेके, हाल ही में खबरों में था, इससे संबंधित क्या है ये? पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 11 डिग्री चैनल सेपरेट किसको करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 11 डिग्री, 10 डिग्री अंडमान निकोबार, 11 डिग्री, बहुत इजी क्वेश्चन ही है। नॉर्थ अंडमान, अम्नदीवी, कनानोर आइलैंड या नन ऑफ द अबव? अंडमान निकोबार ये 11 डिग्री है, 10 डिग्री नहीं है। नॉर्थ अंडमान ने साउथ अंडमान, अम्नदीवी या फिर कनानोर या फिर डी नन ऑफ द अबव? विभा, सचिन, दिव्या, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो इसीलिए देखो मैंने बोला था, हिंट दिया था आपको कि वो अंडमान 10 डिग्री चैनल नहीं है, वो दिस इज अ डिफरेंट वन। The next is antecedent river originates from Rakash Lake near Tibet, flows parallel to Indus, passes through Shipki La Pass. बहुत ही important आपको identify करना river कौन सी है। सही करेक्ट आंसर है बी, absolutely correct सब कुछ। Next is arrange the following Indian cities from north to south. नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है आपको, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। नॉर्थ टू साउथ,
विभा, सचिन, अजय, दिव्या, रघु, सुधांशु, कुलदीप, प्रिंशु, अनूप एंड अनूप अगेन टॉप 10 में. नेक्स्ट इज नारकोंडम हॉर्नबिल इज अ स्पीशीज ऑफ हॉर्नबिल एंडेमिक टू द इंडियन आइलैंड नारकोंडम विच स्टेट ऑफ नारकोंडम आइलैंड. बहुत ईजी क्वेश्चन है तो यार, इससे ईजी क्या ही मिलेगा. नारकोंडम हॉर्नबिल पूछ रहा है, नारकोंडम जगह कहाँ पे है. ऐप क्रैश कर रहा है श्रेया. श्रेया प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो, है ना, मतलब प्रॉबली किल कर लो ऐप को. ऐप किल करके अगेन स्टार्ट कर लो एक बार. नारकोंडम आइलैंड, ठीक है, बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड वहां पे सिचुएटेड है, तो आपको पता अंडमान निकोबार. राइट राइट, यूपीएससी. नेक्स्ट इज स्पार्टली एंड पारासील आइलैंड्स. ये मैंने पढ़ा है, कितनी बार मैपिंग में दिखाया है, बाय गॉड गूगल अर्थ भैया से हम लोग कितनी बार इस जगह गए हैं. अगर आप लोग याद हो, हम लोग कितनी बार गूगल अर्थ भैया की वजह से यहाँ पे गए हैं. ये स्पार्टली और पारासील आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है. नेक्स्ट इज द रेन फॉरेस्ट वंस डिस्ट्रॉयड इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिकवर, व्हाट द रीजन फॉर दैट. एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये बाकी लोग तब तक ऐप पे करो, कभी कभी थोड़ा इसका इश्यू हो जाता है. हाँ जी, आगे चलो. नेक्स्ट इज लोहित, दिबांग, कामेंग एंड तीस्ता, विच सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट टू वेस्ट लेके जाना है. सो तीसरा 1342 2431, एक ही ऑप्शन से हो जाएगा इसके. 2134 4312, ईस्ट टू वेस्ट ओरिजिन करना है आपको. वेरी गुड विभा, रघु, वर्यन एंड रोहन, टॉप 3 स्टिल मेंटेनिंग द पोजिशन. इज इट, पता नहीं, मे बी एक बार, आई गेस एक बार अपडेट कर लो आप लोग ऐप को, है ना, उसके बाद कोशिश करना. नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया शेयर बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, राजस्थान. इसमें से कौन सा जो स्टेट्स हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं एमपी के साथ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, राजस्थान. 1 2 3 1 2 3 5 1 3 4 5, ऑल ऑफ द अबव. बी 51%. हाय अंजलि, गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट इज टू फॉर्म अ फ्रंटल रेनफॉल. लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन. फ्रंटल रेनफॉल के लिए इन विच सीक्वेंस द बिलो एक्टिविटीज टेक प्लेस. फ्रंट, फ्रंट वाले रेनफॉल, फ्रंट्स वाले जो होते हैं.
कोल्ड एयर पुशेस वार्म एयर, वार्म एयर राइजेज अबव द कोल्ड एयर, द कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एंड वार्म एयर। पहले कोल्ड एयर या वार्म एयर आएगी, फिर क्या होगा धीमे धीमे। तो बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है फ्रंट कैसे बनते हैं, ऑर्डर में अरेंज करना है। कोल्ड एंड एयर पुशेस वार्म एयर अप और वार्म एयर राइजेज अबव द कोल्ड एयर। C12% लोगों ने इसका सही आंसर दिया। सो फाइनली रघुवरहन का हैज कम ऑन टॉप, विभा ऑन सेकेंड, रोहन ऑन थर्ड। सो लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल लीडर बोर्ड रैंकिंग। सो फाइनल इज रघुवरहन, विभा, रोहन, अनूप, सचिन, सुधांशु, सुप्रिया, सास्मित, आयुषी, अनुषा एंड पूजा। वेरी गुड गाइस, वेरी वेरी गुड। चलिए वैसे और भी क्विज मैं बीच में एक और क्विज कराता रहूंगा, लाइक आई विल गिव यू ऑल ऑफ यू अ लिंक, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो कृपया करके, सो दैट वी कैन यू नो कंडक्ट दिस क्विज इन अ मोर सीमलेस मैनर। हो सकता है ऐप में ना चल रहा हो तो एक बार ऐप को किल कर लो डाउनलोड करके, और या फिर उसको अपडेट कर लो तो शायद बेटर चलेगा। एंड आई विल रेज अ रिक्वेस्ट विद द टीम ऑल्सो कि ऐप में इशूज आ रहे हैं कुछ लर्नर्स को अटेंड करने के लिए, सो आई विल आस्क देम टू लुक इनटू इट। तब तक प्रॉबेबली एक दो दिन में शायद iOS ऐप के लिए भी आ जाएगा, सो तब तक आई थिंक होपफुली इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। बट वेरी गुड गाइज, कोशिश करिए यू नो ट्राई एंड शेयर विद अ लॉट ऑफ पीपल, सो अ लॉट ऑफ पीपल कैन ज्वाइन। जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा है, ज़्यादा आपको पता चलेगा कॉम्पिटिशन, सो दैट्स गुड। चलिए, सो टुडे इज मोदी जीज बर्थडे एंड ऑल्सो 17th of September 2020 newspaper analysis, finally we are back in the morning, I'm feeling slightly better health wise, touch wood, so that is why don't limit your challenges, challenge your limits, apne challenges ko kam mat karo, challenge jab tak rahega life mein fun rahega, but apni limits ko challenge karo, so challenge your limits. Quiz I will beech mein ek evening time mein I'll give you a quiz, main code share kar dunga telegram pe, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल मेरा जो है दीपांशु सिंह UPSC, ठीक है। जो लोग नहीं है उस पर काइंडली ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल दीपांशु सिंह UPSC, एंड ऑल्सो यू कैन गेट इट। सो अनअकैडमी के आर्टिकुलेट टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है नीचे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन फॉलो माई प्रोफाइल देयर, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 17 सितंबर मोदी जी बर्थडे ऑल्सो, एंड ऑल्सो कल जो रात में काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन थे उन लोगों के लिए बता दूं कि एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो जो लोग कल ऑनलाइन, उनको बताना चाहता हूँ, कल से 18 सितंबर से एक करंट अफेयर्स का स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है फॉर रिवीजन ऑफ 2020 प्रीलिम्स कॉन्सेप्ट, विच विल बी टॉपिक वाइज लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट में बहुत फोकस रहेगा, बिकॉज ये दो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में आपके, इन दो एरियाज में। इवनिंग में खास क्लासेस होंगी और आज शाम को स्पेशल क्लासेस भी हैं, ठीक है। आज शाम को स्पेशल क्लास, टू नाइट देर इज गोइंग टू बी अ स्पेशल क्लास ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो अगर आपने आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा है तो मेरे पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हो, लेकिन आज जो है वो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है, नई चीज़ें क्या आई हैं, एंड सम ऑफ द कोर टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। सो आज स्पेशल क्लास है 10:30 बजे, अटेंड करना ना भूलें, 10:30 PM, ठीक है। उसी टाइम होगा, मतलब जैसे हम लोग रात को एनालिसिस लेते थे तो अब एनालिसिस मॉर्निंग में हो गया, 10:30 PM और इधर 11 PM, जनरली इन दो टाइमिंग पे मैं क्लासेस लेता हूँ। सो 10:30 PM पे टू नाइट, डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन टू द स्पेशल क्लास ऑन यू नो मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो ये जो करंट अफेयर्स वाला बैच है, इसको आप लोग को सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज़ द कोड DEEP27 और DEEP YT10।
फ्रॉम अन अकेडमी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल भी दी हुई है, ठीक है। तो पहली चीज़ अगर आप देखेंगे, जरा एक बार न्यूज़पेपर देखते हैं क्या क्या आया है हमारे न्यूज़पेपर में आज, उसके बाद ज़रा बाकी चीज़ों को देखेंगे, वॉट ऑल थिंग्स आर देयर इन टुडेज न्यूज़पेपर एंड विल सी वॉट ऑल थिंग्स आर रेलिवेंट फॉर अस। सो मोदी जी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, एंड मित्रों सब लोग विश कर दो मोदी जी को। अरे भाई भाई मोदी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, विशिंग यू यू नो अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। थोड़ा सा विकास और करवा दीजिए हम लोगों का, एंड वी विश यू दैट यू स्टे हेल्दी एंड ऐसे ही इंडिया को आप लीड करते रहें। बट थोड़ा सा माइग्रेंट लेबर्स के बारे में भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दें, और बाकी लोगों के बारे में भी, स्पेशली स्टूडेंट्स की भी थोड़ा, अगर आप अच्छा होगा थोड़ा सा, अगर आप स्टूडेंट्स के बारे में भी थोड़ा सोचें, ठीक है। तो मोदी जी से हम यही कामना कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, दैट ही विल लिसन टू द स्टूडेंट्स डिमांड्स एंड मेक इंडिया अ बिग बिग एंड अ मेजर सुपर पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रशिया इंक्स पैक्ट टू टेस्ट सप्लाई स्पुतनिक 5 वैक्सीन टू इंडिया। तो आपको पता नहीं, ये टेस्ट चल रही कोविड की, तो ये वैक्सीन बना रहे हैं हम लोग। तो रशिया ने बोला है कि भाई डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो है ये जो है इनके साथ टेस्टिंग करेगी, अभी मैन्युफैक्चरिंग का अग्रीमेंट नहीं। तो बहुत सारे लोगों का शेयर मार्केट फ्लक्चुएट हुआ इस वजह से, क्योंकि उन्हें लगा डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक मार्केट प्राइसेस थोड़े वेरी हो गए इस वजह से, बिकॉज एवरीबडी वाज थिंकिंग दैट प्रोबेबली दे हैव साइंड एन अग्रीमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ही उन्होंने बोला टेस्ट करेंगे, ट्रायल्स कराने के लिए ऑफिशियली डॉक्टर रेड्डीज होंगे। पूजा आई एक्सप्लेन दैट, या आई विल से, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा चाइना रिवर्स राजस्थान सेज इंडिया वायलेटेड अग्रीमेंट्स, तो ये LAC का कंटिन्यूड स्टैंड ऑफ है जो चल रहा है। उसके अलावा चार्जशीट फाइल्ड इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रायट्स केस। रात को याद होगा मैंने आपको बताया था कि बक्से में लेके गई है पूरी टीम, यूपा के अंडर फाइल किया गया ना केस, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट, उमर खालिद एंड टीम को। तो ये है, सो पुलिस हैव नेम 15 अक्यूज और 21 पर्सन एंड डिस्क्रिपेंसीज इन तमिलनाडु COVID-19 डेटा। ये हर जगह से ही हो रहा है, अगर आप देखोगे इवन ICMR के डेटा में एंड गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा में भी थोड़ा मिसमैच है। ये हर जगह हो रहा है क्योंकि रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जा रही है थोड़ी बहुत। एंड एक जो सबसे बड़ी कल न्यूज़ निकल के आई जिसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ, लोग बोल रहे हैं कि अरे हमारा पैसा जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने में जा रहा है। टाटा प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 861.9 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया है पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए, एंड क्योंकि उन्होंने सबसे कम बिड किया था, इट वॉज 8.4% लेस देन दी CPWD। तो टाटा जो है उनकी कंपनी को दिया गया है ये प्रोजेक्ट, असाइन किया गया है फॉर बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको भी देखेंगे हम लोग आज। उसके अलावा नथिंग मच इन दिस पेज। गुड मॉर्निंग राज, थैंक यू। कैपिटल हिट्स अ न्यू हाई, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था स्लम ड्वेलर्स को लेके, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का फिर ऑर्डर आया था, वर्डिक्ट आया था उसके बाद रिगार्डिंग द रिहैबिलिटेशन, ये जो है एनक्रोचमेंट जो है रेलवे लाइन पे स्लम ड्वेलर्स का, उनको हटाने के लिए। तो उस पर जो दिल्ली के अर्बन मिनिस्टर डेवलपमेंट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी ने बोला है कि दे कैन रिहैबिलिटेट मूव कर सकते हैं इनमें 40,000 फ्लैट्स में दीज पीपल हु आर लिविंग इन दी रेलवे ट्रैक। जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको रेलवे ट्रैक से कह रहे हैं कि ये मूव कर सकते हैं 40,000 फ्लैट्स में। तो उन्होंने जो यूनियन मिनिस्टर हैं रेलवे के पीयूष गोयल जी को बोला है कि 48,000 शांटीज अलोंग द दिल्ली रेलवे ट्रैक्स कैन बी रिहैबिलिटेड टू 40,000 फ्लैट्स व्हिच आर इन द सिटी एंड ऑफर्ड फुल कोऑपरेशन फॉर इट। तो बोल रहे हैं ऐसे फ्लैट्स अवेलेबल हैं, ये सही है, फिर तो बढ़िया है, काम हो गया। बट दीज फ्लैट्स के प्रोसाथ प्रॉब्लम के दे आर लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, बट दे कैन बी गिवन टू दीज पीपल। अच्छा है ना, ऐसे टेम्प्रेरी जगह से रहने तो बेटर है कि अच्छी जगह रहें, थोड़ा सा बाहर है तो क्या हो गया, बट इनको थोड़ा अपने लिए जो है काम ढूंढने में डिफिकल्टी हो सकती है। उसके अलावा एनवायरमेंट मिनिस्टर्स ऑफर्स सॉल्यूशन फॉर स्टबल बर्निंग, इसको देखेंगे। तो पूसा इंस्टीट्यूट प्रोडक्ट कैन टर्न स्टबल इनटू मैन्योर। सॉरी, तो ये हम लोग आज देखेंगे, हमारे स्लाइड्स में भी है। तो एनवायरमेंट मिनिस्टर जी हैं गोपाल राय, उन्होंने बोला है कि पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है उनका एक डिवाइस कह सकते हो आप, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो स्टबल है उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टबल पता है ना आपकी, जो जब हम
हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप, तो नीचे कटिंग जब होती है, हार्वेस्ट किया जाता है, तो नीचे जो उसका जड़ है वो नीचे ज़मीन में रह जाती है, उससे थोड़ा स्टॉक रिमेनिंग रह जाता है। तो वो वैसे भी फार्मर उसको क्या करता है, उखाड़ना तो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, मैनुअल लेबर बहुत चाहिए, तो उस पर लोग लगा देते हैं आग, एंड दैट एड्स टू द पोल्यूशन ऑफ दिल्ली एंड आसपास रीजन में। सो हरियाणा पंजाब में काफ़ी फेमस था, ये काफ़ी यूजुअल है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने कई बार ऑर्डर दिया हुआ है कि उसको बैन किया जाना चाहिए। उसके कई सारे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, उसको देखेंगे क्या करना है, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। देन इफ यू गो फर्दर डाउन, तो आपको याद होगा पंजाब काफ़ी टाइम से कुछ एग्रीकल्चरल बिल्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो अब ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट जो था ऑर्डिनेंस लाया गया था, अब उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, बिकॉज ऑर्डिनेंस की पावर क्या होती है कि वो तब तक रहता है फोर्स में विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा, पुट टू वोट करना पड़ेगा, तो उस पर क्या है कि कैप्टन साहब बोल रहे हैं सीएम साहब की भाई अगर ये अप्रूव होंगे तो फिर इट विल लीड टू अनरेस्ट इन पंजाब, एंड क्योंकि जो नए एग्रीकल्चरल बिल हैं दे फियर दैट प्रोबेबली इट विल लीड टू एंड ऑफ MSP रेजिम एंड फैसिलिटेट एक्सपोर्टेशन बाई बिग कॉर्पोरेट हाउसेस। तो आपको पता है ये लेबर को लेके, ये जो है फार्म रिट्रैक्टिव कमर्शलाइजेशन को लेके, APMC को लेके बहुत सारे ऑर्डिनेंस इशू किए गए थे, तो उसकी वजह से फार्मर्स पंजाब की काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो देर आर 3 फार्म रिलेटेड बिल्स विच आर ऑल सेट टू बिकम लॉ आफ्टर बींग पास। द वन इज असेंशियल कमोडिटीज विच रिमूव्स ऑल सीरियस पल्सेज एंड ऑयल सीज एंड पोटैटो ऑनियन फ्रॉम ट्रेड रिस्ट्रिक्शन एंड प्राइस कंट्रोल विच विल अल्टीमेट बेनिफिट द मिडिल मैन एंड ट्रेडर्स। तो ये एक चीज़ बोल रहे हैं इसमें कि भाई सबसे बड़ा प्रोटेस्ट तो एक्चुअली इसी को लेके है, एसेंशियल कमोडिटीज़ वाला, क्योंकि ये जो आपके क्रॉप्स हैं इनको एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब होर्डिंग हो सकती है, एंड इसमें क्या होगा कि जो आपके मिडिलमैन बिचौली है जो लोग हैं वो अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, प्राइस वेरी करा सकते हैं। तो ये है। उसके अलावा आप देखोगे देर आर अदर ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल दी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट बिल एंड फार्म सर्विसेज बिल। सो ये सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी जब इसका कोई एडिटोरियल आएगा तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा लोकल्स ऑफ सम सेम ट्राइब अपोज ब्रू रीसेटलमेंट इन त्रिपुरा। सो फॉर नॉन ब्रू कम्युनिटीज़ वर अगेंस्ट रिहैबिलिटेशन। तो अभी आपको याद होगा हमने एक बार ऑलरेडी डिस्कस किया था इसको इन वन ऑफ द प्रीवियस एनालिसिस। ब्रू ट्राइब जो है उनको रीसेटलमेंट किया जा रहा है त्रिपुरा में, जहाँ से वो माइग्रेट होके आए थे। बट रियांग इज अनदर नेम ऑफ ब्रू ट्राइब, ये भी एग्जाम में आ सकता है। उनके ही कुछ लोग जो है अपोज कर रहे हैं उनका रीसेटलमेंट। लोकल रियांग्स जो हैं जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे थे, कुछ ब्रू ट्राइब्स जो बाहर से ब्रू ट्राइब्स आ रहे हैं उनको बोल रहे हैं अरे तो बाहर के हो गए अब हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इवन पीपल फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रीसेटलमेंट। उसके अलावा जो एडिटोरियल सेक्शन में आप आओगे तो नेशनलिज्म इन द क्राइसिस ऑफ फेडरलिज्म, सो अनलाइक दैट यू अनलेस द अटैक ऑन कोलिशन डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म कर्व क्रैक्स माइट अपीयर डिस्टिंक्टिव इन इंडियन प्रोजेक्ट्स। तो ये थोड़ा फेडरलिज्म के ऊपर एक आर्टिकल है, इसको क्विकली देखेंगे, ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है बट हमारे लिए जो रेलिवेंट होगा हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, हमारे मतलब जितना होगा हम लोग ले लेंगे। निक्स टू द चाइनीज स्ट्रॉन्गमैन इमेज, सो अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दिस वन बिकॉज दिस इज टोटली रिलेटेड टू चाइना, इतना कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया एंड स्टॉप प्रेस, कोर्ट्स मस्ट अवॉइड ओमनिस ऑर्डर्स अगेंस्ट पब्लिकेशन विदाउट एक्चुअल रिस्क ऑफ प्रेजुडिस। तो ये दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, ज़रा इनको देखते हैं। तो इसके जो पहला एडिटोरियल है उसमें उन्होंने बोला है कि भाई जो ब्लैंकेट गैग ऑर्डर होता है कि कोई भी चीज़ बैन कर दो, पब्लिकेशन मत करो, ये मत करो, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ जाता है आर्टिकल 19 के, एंड ऑल्सो अगेंस्ट द सिटीजन राइट टू रिसीव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन। सो ये जो सिटीजन राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन पता है आपको कौन से आर्टिकल में आता है, इट कम्स अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 में तो है ही, आर्टिकल 21 में भी आता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, आर्टिकल 21 में आता है सिटीजन राइट ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड। सो ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट्स रिस्ट्रेनिंग द मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन पर्टिकुलर केसेस ऑफ प्रोग्राम्स हैव ड्रॉन अटेंशन। अ क्वाइट अनयूजुअल एंड लीगली क्वेश्चनेबल डिसीजन हैज बीन द इंटरिम ऑर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इम्पोजिंग बैन ऑन मीडिया इवन ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम मेंशनिंग एनीथिंग रिलेशन टू FIR फाइल्ड बाय द पुलिस अगेंस्ट फॉर्मर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अभी बताइए एक ये इशू हुआ है, करप्शन केस का हुआ है कि फॉर्मर एडवोकेट जनरल थे जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के, एडवोकेट जनरल साहब, तो आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल जिनकी काफ़ी क्लोज लिंक माने जाते हैं टू अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज,
उनके ऊपर ग्राफ्ट केस फाइल हुआ है, तो अब वहाँ की सरकार ने क्या कर दिया है, उनकी सरकार ने बोल दिया है कि कोई भी यहाँ पे इनकी इस एफआईआर के खिलाफ टेलीकास्ट नहीं करेगा हमारे स्टेट में। तो यहाँ पे और ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया, आप सोचो खुद ही, ये कोर्ट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट तो चलो अलग है। सो इट इज़ वेरी अनयूजुअल कि कोर्ट किसी चीज़ को पब्लिश पब्लिकेशन करने के लिए ऐसी चीज़ करेगी जहाँ पे स्पेशली वो करप्शन रिलेटेड हो। सो इट इज़ अनयूजुअल इन द सेंस दैट देयर अपीयर्स टू बी अ मटेरियल टू जस्टिफाई सच सेंसरशिप अदर देन एलिगेशन बाय द पिटीशनर दैट इट इज़ अ फॉरेस्टेड केस। तो एडवोकेट जनरल साहब ने बोला ये कि फर्जी केस है, फ्रिवलस फॉरेस्टेड केस है, मेरा नाम मलाइन हो रहा है। तो उस बेसिस पे कोर्ट ने क्या करा है कि कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, बट ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ जाता है। It is also accompanied by an order saying that the investigation itself, it is indeed open to a high court to grant a stay when political vendetta is alleged. So injunctions against the publication and either B or to prevent possible defamation or invasion of privacy, or one aimed at protecting the fairness of a trial investigation. The Supreme Court did hold in Sahara versus SEBI that the court can grant preventive relief on balancing the right of free trial and free press. So ये एक important case है, Sahara versus SEBI 2012, जहाँ पे सहारों को बहुत ज़्यादा पैसे सबमिट करने थे, सभी को बोला गया था कि उनको पैसे देने हैं बिकॉज ऑफ दी मैल प्रैक्टिसेस दैट हैपेंड। तो उसमें उन्होंने बोला था कि भाई हाँ, देर हैज़ टू बी अ वेरी क्लियर बैलेंस बिटवीन एक राइट टू फ्री ट्रायल, क्योंकि अगर फ्री ट्रायल प्रेजुडिस हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है फ्रॉम मीडिया ट्रायल, जैसे आज के टाइम पे जो हो रहा है सुशांत सिंह केस में वो यही हो रहा है, मीडिया ट्रायल से जो ट्रायल तो नहीं अभी कोर्ट में क्योंकि नहीं गया, बट एक्चुअली में जो इन्वेस्टिगेशन है देखो वो तो हैम्पर हो रही, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई डिटेक्टिव बन गया, एवरीबडी हैज़ बिकम एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इन ऑन देयर ओन, एवरीबडी हैज़ देयर ओन आइडिया कि हाँ ऐसा हुआ, मर्डर हुआ, कले में ये निशान था, पैर थे मुड़े थे, हाथ मुड़े थे, तो हर आजकल हर कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो गया। तो वो जो है ट्रायल तो नहीं बट इन्वेस्टिगेशन तो डेफिनेटली हैम्पर करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कोर्ट के पास एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बैलेंस दी फ्री एंड फेयर ट्रायल एंड दी इन्फॉर्मेशन विच हैज़ टू बी देयर एंड गो आउट एंड सो दैट इट डज नॉट प्रेजुडिस द ट्रायल। सिमिलरली आपको बता होगा सुदर्शन न्यूज चैनल वाला जो केस चल रहा है यूपीएससी जिहाद वाला, ठीक है, रिगार्डिंग द की एक विलिफिकेशन ऑन मुस्लिम कम्युनिटी एंड द कोर्ट फोर्स फाउंड इट नेसेसरी टू एंटरटेन टेलीकास्ट, तो वो जरूरी था क्योंकि वो थोड़ा गलत था। And the court seems to have made a distinction between freedom of expression and propagation of hate. So in recent years, there have been quite a few instances, especially in Karnataka, of omnibus interim injunction against all media houses obtained by some people solely to prevent any news reporting about themselves. ये आजकल थोड़ा गलत precedent set हो रहा है, dangerous है इनफैक्ट कि जो ये न्यूज़ है उसको ब्रॉडकास्ट ना किया जाए जस्ट बिकॉज इट बेनिफिट some person. उसके अलावा न्यू ऑर्डर सेटल हो रहा है वेस्ट एशिया में, आपको पता है न्यू ऑर्डर स्टैब्लिश हो रहा है, कैसे स्टैब्लिश हो रहा है न्यू ऑर्डर, क्योंकि अरब इजरायली पीस डील साइन हो गई है, एब्राहम रिकॉर्ड कल रात को हमने देखा, एंड ये पैलेस्टीनियन इशू के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज ये तब तक पीस नहीं आएगी जब तक पैलेस्टाइन इशू सॉल्व नहीं होगा, जब तक पैलेस्टाइन ऑन बोर्ड नहीं होगा तो पूरे एरिया में रीजन में स्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल काम होगा। सो द सो कॉल्ड एब्राहम रिकॉर्ड साइंड इन द व्हाइट हाउस ऑन ट्यूजडे, ठीक है, सो मार्क्स अ न्यू बिगिनिंग इन द रिलेशन बिटवीन द सुन्नी रूल्ड गल्फ किंगडम एंड द ज्यूइश स्टेट। सो अंडर द अग्रीमेंट द यूएन बहरीन वुड नॉर्मलाइज द टाइज़, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस यस्टरडे, रात को आपको नोट्स भी मैंने दे दिए थे, एंड द एलिंग ऑक्टोजेनेरियन रूलर किंगडम सलमान बिन अब्दुल अजीज इज स्टेडली कॉशियस फॉर नाउ, बट रियाद हैज बीन ओपनड इट्स एयर स्पेस फॉर कमर्शियल फ्लाइट फॉर यूएई। सऊदी अरेबिया का कोई बहुत क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया है, दो दे हैव सेड दैट दे विल नॉट अपोज द एयर स्पेस, तो उन्होंने एयर स्पेस अलाउ कर दिया इजरायली फ्लाइट्स को यूज़ करने के लिए इफ दे वांट टू गो टू यूएई, बिकॉज ऊपर है, अभी हम लोग देखेंगे मैप में जाके कि कैसे यूज़ हो रहा है, विल गो एंड सी गूगल अर्थ भैया का आज हम यूज़ करेंगे, बहुत दिनों बाद चलेंगे भी। सो द अकॉर्ड्स द फर्स्ट बिटवीन इजरायल एंड अरब कंट्रीज सिंस 94 जॉर्डन इजरायल पीस इज अ रेयर डिप्लोमेटिक विन, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए यू नीड पैलेस्टाइन टू बी ऑन बोर्ड। So unlike Egypt and Jordan which signed the peace treaties with Israel in 79-94, especially the Gulf countries are not frontline states in the Arab-Israeli conflict. मतलब उनका कोई लेना देना ही नहीं इतना ज़्यादा, they were just supporting Palestine because वो एक मुस्लिम कंट्री है तो इसलिए उन्होंने भाईचारे के चक्कर में सपोर्ट कर दिया, बट उनका डायरेक्ट कोई कन्फ्रंट्रेशन नहीं है इसराइल से। अनूप एक्चुअली में हाँ सिग्नेटरी चारों, अगर आप फोटो देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ
तीनों कंट्री के जो स्टेट्स के जो जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने साइन किया, तो यूएस इज अ सिग्नेटरी ऑफ द इब्राहिम अकॉर्ड. सेकंड, द अग्रीमेंट्स लीव द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन लार्जली अनएड्रेस्ड, विद अरब कंट्रीज साइनिंग डिप्लोमेटिक अग्रीमेंट विद इजराइल बायलेटरली. द अरब कलेक्टिव सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन मूवमेंट एंड नेशनहुड व्हिच हैज बीन द बेसिस ऑफ 2002 अरब पीस इनिशिएटिव इज क्रम्बलिंग. तो पैलेस्टाइन का थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा हल्का पड़ रहा है पीछे से, बट इट डज नॉट मीन दैट द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन वुड फेड अवे. द वैक्यूम लेफ्ट बाय रिट्रीट ऑफ द अरब पावर्स from the Israel-Palestine conflict is being fulfilled by non-Arab Muslim powers like Iran, Turkey and their allies. तो अब क्या है, जो Arab support जो vacuum create हो रहा है इस conflict से, तो अब नए player कौन आ गए पीछे, नए player support करने के लिए आगे Palestine को Israel, Turkey और उनके allies, क्योंकि वो भी Muslim states हैं. But यहाँ पे Iran क्यों है, because Iran सबसे बड़ा anti है Israel के, Iran is totally anti-Israel. और क्योंकि ईरान इज एंटी यूएस, दोनों में चबनती नहीं है बिल्कुल भी, तो जो उसका दोस्त है वो इसका दुश्मन हो जाएगा. सो अब जो ये स्पेस अरब कंट्रीज ने छोड़ा है सपोर्ट का फॉर पैलेस्टाइन, दैट इज बीइंग फिल्ड अप बाय दीज कंट्रीज. सो द जियोपॉलिटिकल सैंड्स आर शिफ्टिंग बट द कोर इशू कंसर्निंग इजराइल इज अनरिजॉल्व्ड, राइट. सो थ्री, द यूएई बहरीन अग्रीमेंट्स आर इन फैक्ट एंडोर्सिंग द रीजन्स इमर्जिंग ऑर्डर विद द यूएस इन रिट्रीट इन टर्की एंड ईरान परसुइंग मोर अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी. देयर इज अ थ्री वे कॉन्टेस्ट टेकिंग शेप इन सुन्नी रूट अरब किंगडम्स. अमेरिकन एलाइज आर रीअलाइनिंग देयर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट विद इजराइल. सो अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन जब तक रहेगा तब तक यहाँ पे पीस लाना थोड़ा एक मुश्किल काम होगा, ये एडिटोरियल हमारा सजेस्ट कर रहा है. उसके अलावा एक अगला जो अगर आप देखोगे एडिटोरियल आया है वो है रिगार्डिंग टू द ब्रिंक एंड बैक इन लद्दाख, ठीक है. इस पे उन्होंने थोड़ा बताया है कि एट द हार्ट ऑफ चाइनाज एक्शन लाइज अ हिस्टोरिकल स्ट्रैटेजी दैट इंडिया नीड्स टू एड्रेस विद ग्रेट टैक्टिक. तो हिस्टोरिकल कुछ नहीं है भाई, है उनकी पॉलिसी है यू नो रियलिज्म की, दैट दे वॉन्ट टू इस्टेब्लिश देयर ग्रैंड एम्पायर. जो पहले अर्लियर चाइनीज एम्पायर हुआ करता था उसको इस्टेब्लिश करने का उनका मेन मुद्दा है कि उन्हें टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते जाना, और वो सदियों से करते आ रहे हैं, उसी ग्रैंड स्ट्रैटेजी का ये नतीजा है. तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है. एंड पैंडमिक एंड अ फ्री प्रेस, तो ये भी यू नो जोएल साइमन ने लिखा है कि कैसे यू नो डेमोक्रेटिक वैल्यूज टू टैकल कोविड 19 यू नो इफेक्टिवली हैज़ टू कम बैक. तो इन्होंने अगेन यू नो दे ही जस्ट हाईलाइटिंग अबाउट कि जैसे वही फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी जैसे इशू उठा कि कोविड 19 के टाइम पे देर आर लॉट ऑफ सेंसरशिप विच इज़ हैपनिंग, तो नॉट वेरी मच रेलिवेंट अभी के लिए. एंड डेटा पॉइंट पे अगर आप आओगे, सो इंजीनियर्स डे था, तो दिस इज द इंजीनियरिंग कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशनल कोर्स. तो अभी भी इंजीनियरिंग जो है इज अ प्रेफर्ड कोर्स. टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्रीज आर स्टिल प्रेफर्ड इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स, उसके बारे में डेटा है. उसके अलावा बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ डिसेबिलिटी में क्या बोला गया है, सो बेसिकली द डिफरेंशियली एबल कम्युनिटी जो है उनको उनके पोटेंशियल को टैप किया जा सकता है इफ प्रॉपरली राइट स्टेप्स आर अंडरटेकन. तो इसमें उन्होंने दो तीन चीज़ें हाईलाइट किया, चल क्विकली एड्रेस. सो पहली चीज़ उन्होंने बोली दैट नियरली 75 ईयर्स अगो यूएन वॉज क्रिएटेड इन द फेस ऑफ इंटॉलरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. सो वेल नोन फॉर हिज एडवोकेसी ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स, सिंगर्स स्टीवी वंडर who was blind once declared that love's in need of love today. So based on the recent estimate, over a billion people worldwide are impacted by disability. According to WHO, nearly 15% of the world's population some form of disability. Pehla line note karne ka, matlab jab aap disability ke upar koi question aata hai to aap usko use kar sakte ho, GS1 society, right. And the stigma attached to the person with disability compounded by a lack of understanding of their rights makes it difficult for them to attain their valued functioning. So why डिसेबल्ड नहीं बोलते हम लोग, डिफरेंशियली एबल्ड बोलते हैं. दे आर अनेबल टू अचीव देयर फुलेस्ट पोटेंशियल बिकॉज फर्स्ट प्रॉब्लम इज द वाइड स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच टू देम. तो वो अपनी जो ऑप्टिमल फंक्शनिंग है उस पर रीच ही नहीं कर पाते. एंड विच अमर्त्य सेन डिफाइंड एज केपेबिलिटी डीम्ड एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. फर्दर वोर वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज आर एट अ हायर रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग सेक्सुअल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस. जनरली ऐसा होता है और ये डेटा पाया जाया कि अगर जनरली अगर इफ द डिफरेंशियली एबल्ड इज फ्रॉम इज अ फीमेल तो उनके चांसेस थोड़ा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन के थोड़े ज्यादा है एज पर द डेटा. उसके अलावा द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखोगे
International Labour Organization uses data from the latest National Census 2000 reports that the 73.6% living with disabilities in India are outside the labour force. Those with mental disabilities, women and disabilities, are those in rural areas are the most neglected ones. वर्स्ट हिट ग्रुप में कौन आता है? सो कोविड 19 में ये सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, ये लोग सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं इस वजह से. ठीक है, सो एज इन द केस विद मोस्ट क्राइसिस द कोविड 19 पैंडेमिक हैज इट वर्स्ट इंपैक्ट ऑन मार्जिनलाइज कम्युनिटी. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज हैव फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सेस रिमोट लर्निंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. देखो आई वुड से दैट प्रोबेबली अनअकैडमी एंड अदर प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो वर्किंग इन दिस फील्ड कि हम लोग जो दिव्यांग ग्रुप है, डिफरेंशियली एबल्ड लोग हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा और यूजर फ्रेंडली बना सकें इस एक्सपीरियंस को. ऑफकोर्स इट इज चैलेंजिंग, अभी नहीं है, आई कैन टोटली अग्री टू इट कि शायद अभी हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है या टेक्नोलॉजी हम जिस पे अभी हमने उस लेवल पे नहीं पहुंचे. ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है कि क्योंकि कोविड 19 पैंडेमिक में अब बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन लर्निंग का एकमात्र सहारा है. बट वहीं पर जो कुछ लोग डिफरेंशियली एबल्ड हैं, हियरिंग या प्रॉबेबली यू नो विजन इम्पेयरमेंट्स हैं, उन लोगों के लिए हम कैसे बेटर कर सकते हैं? सर वो ऑडियो तो सुन सकते हैं बट क्या हम कुछ और उनके लिए कर सकते हैं? तो वी आर वर्किंग ऑन दोज टेक्नोलॉजी राइट नाउ. तो ये एक बहुत बड़ा इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम रहा है रिगार्डिंग दिस. सो द यूनेस्को 2019 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया एक्नॉलेजेस दैट इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट एंड रिक्वायर्स अ फाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्स नीड ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिलीज अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. सो इंडिया हैज मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन दिस you know, with a lot of measures and this is also be important for achieving a 2030 agenda and more specifically SDG 4 target achieve karna iska important aspect hai. So globally UNESCO joined its partners in the Global Action on Disability GLAAD network to raise awareness about the need to put in place strategies to mitigate the impact of school closures on learners with disabilities. So the implementation of the groundbreaking NEP 2020 provides a historic opportunity to utilize the immense potential. एग्जाम के लिए दो चीज़ याद रखना, ये ग्लोबल एक्शन ऑन डिसेबिलिटी क्या है. ठीक है, यूनेस्को हैज़ यू नो बेसिकली हैज साइंड अप फॉर वर्किंग ऑन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द चिल्ड्रेन एंड पीपल एंड द इम्पैक्ट ऑफ स्कूल क्लोजर ऑन लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज. सो टू द मोस्ट सेलिब्रेटेड आइकॉन्स ऑफ म्यूजिक स्टीवी वंडर एंड एंड्रिया बोसेली एंड स्टार इंडियन पैरा एथलीट दीपा मलिक हैव ऑलरेडी सेट द टोन फॉर मेकिंग इंक्लूजन ऑफ द नॉर्म विद द राइट इन्वेस्टमेंट यूथ विद डिसेबिलिटीज इंडिया कैन ऑल्सो बी कंट्रीज लार्जेस्ट एसेट. इसके बारे में है तो इसको एक बार देख लेंगे. सो बेसिकली दो तीन इंपॉर्टेंट अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग के लिए इन योर नोट्स. देन कोविड केस रिलेटेड ही है. आगे है सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिस्पॉन्स टू प्ली ऑन एयरपोर्ट्स. तो इसमें जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डीजी से पूछा है टू रिस्पॉन्ड टू प्ली दैट वॉज अ डिलिबरेट ओमिशन फॉर ईयर्स टू इंस्टॉल अ फेल सेफ सिस्टम स्टॉप एयरक्राफ्ट ओवर शूटिंग रनवेज. तो अभी आपको पता है केरला कोझिकोड मैंगलोर एयरपोर्ट में जो ये एक सिस्टम लग रहता है उसका इंस्टॉलेशन क्यों नहीं हुआ इन सब जगह पे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा. शेख, हाँ आई डू टेक आईआर की क्लासेस. आई विल टेक अ न्यू बैच प्रोबेबली इन नवंबर. बाकी नॉट मच ओवर हियर. मतलब ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है दैट द गवर्नमेंट इज कटिंग सैलरीज फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स स्पेशली फॉर पीपल आर फाइटिंग कोविड. उसके अलावा केरला गवर्नमेंट ने बोला है कि एसिम्प्टोमैटिक वर्कर्स जो टेस्टेड पॉजिटिव हैं उनको अलाउ कर दिया जाएगा काम करने के लिए. सो दे हैव चेंज देयर पॉलिसी. देन नथिंग मच ओवर हियर. एमएसपी के लिए उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं कि एमएसपी नहीं रहेगी. सो जेपी नड्डा जी हैज़ बेसिकली क्लैरिफाई रिगार्डिंग दिस. एंड लोकसभा नॉट टू अमेंड द बैंकिंग एक्ट. तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड इफ यू गो टू द फर्दर बिजनेस पेज. सो इंडियाज प्रेजेंस एट अफगान टॉक्स इज वेरी वेरी वाइटल. तो यूएस के स्पेशल एनवॉय है यू नो जलमा खलीलजाद. ही मेट एमईए जयशंकर साहब एनर्जी ड्यूअल फॉर अ 90 मिनट डिस्कशन. तो आपको याद होगा हमने अपना स्टांस चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान. दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट ओनली. तो ये चीज़ें हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अफगानिस्तान में बहुत क्रिटिकल रोल होगा इंडिया का प्ले करने का. आपको याद होगा हमने एक दिन डिस्कस किया था कि
जब किसी को कोर्ट मैरिज करनी होती है तो रजिस्ट्रार होते हैं वो पहले नाम पब्लिश करते हैं कि देखो ये दोनों कपल शादी करने वाले हैं, अगर किसी को कोई डिस्प्यूट है तो आप इतने दिन में बता दो। तो उसको लेकर पिटिशन फाइल हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जिन लोग की शादी करना, जो लोग शादी करना जा रहे हैं उनका डिटेल क्यों पब्लिश कर रहे हो आप। तो पिटिशन जो है फाइल हुई है ऑन वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि उनका बर्थ, एज, ऑक्यूपेशन, ठीक है, फोन नंबर, सब चीज़ मेंशन कर दी जाती है डिस्प्यूट को लेके। सो बेसिकली इट वाज मेंशन अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर है एंड इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21। तो उसको लेके आया। सो अ बेंच वाज लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े, इशूड नोटिस टू द गवर्नमेंट ऑन द रिट पिटिशन फाइल बाय नंदनी प्रवीण, अ लॉ स्टूडेंट फ्रॉम केरला। हावर सीजीआई एक्सप्रेस सर्टेन प्रिमा फेसी रिजर्वेशन अबाउट द प्ली टू डू अवे विद द पब्लिकेशन ऑफ डिटेल्स। सो ही सेड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लॉ Special Marriage Act. Normally, they people who want to marry under the Act do not belong to the same community. So you are saying privacy that the whole world will come to know. But what if somebody runs away with somebody's wife or daughter? Why should they, the husband or father, not come to know? So, थोड़ा सा interesting लगा मुझे ये जो उन्होंने बोला है. I will not comment too much. पता चला contempt contempt file हो जाए मेरे खिलाफ ही. But जब सर जब किसी की already बीवी है, तो वो तो already शादीशुदा है. अब वो दोबारा स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी थोड़ी करेगी, करेगी भी तो भाग जाएगी, तो वो उसके लिए शादी वैसे भी इलीगल हो जाएगी। इंडिया में अलाउड तो है नहीं दो शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट में हो सकती है वैसे, बात तो सही है, बट ये थोड़ा पॉइंट वैलिड नहीं है कि दूसरे की बीवी और बेटी को भगा ले जाएगा इसलिए नहीं बता सकते नाम, जो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। सो इसको लेके बट उन्होंने अग्री तो किया है कि हाँ, मतलब थोड़ा राइट टू प्राइवेसी का कंसर्न है, बट you know, in other words, couples are asked to waive the right to privacy or exercise the right to marry, he pointed out. So the senior lawyer said the petition was not challenging the authority of the marriage officer to conduct inquiry, but why publish the confidential details? बात सही है भाई कि अगर आपको डालना है आप नाम डाल दो कि भाई ये लोग शादी करने वाले हैं, ये ऐसा है, उनके फोन नंबर, डिटेल, ऑक्यूपेशन, एज लिखने का क्या मतलब है? और जिसकी जिसकी बीवी या कोई भाग रहा है उसे ऑलरेडी पता होगा भाग रहा है, अब उसका क्या लेना देना कि वो मैरिज जाके रजिस्ट्रार के मैरिज के ऑफिस जाके थोड़ी देखेगा कि अच्छा लिस्ट में देखता हूँ किस मेरी बीवी का नाम तो नहीं है इसमें, या मेरे पति का नाम तो नहीं है, या मेरे बॉयफ्रेंड का नाम, गर्लफ्रेंड का नाम तो नहीं है। अब वो जाके तो देखेगा नहीं लिस्ट में ना, उसको तो पता चली जाएगा क्या चलने वाला है। सो कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेट्स सी हाउ इट यू नो पैन्स आउट। एनी वे, बाकी मिमिक टू सर्वाइव जो है इसको हम लोग देखेंगे। सो ये सब कुछ नेचुरल सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हैं आपकी बटरफ्लाइज की, तो विद यू नो अटैक बेस्ड तो है नहीं कि दे कांट अटैक, बिकॉज जनरली ऐसे उनमें कोई पॉइजनस चीज़ें बहुत कम होती हैं। तो जनरली दी डिनाइड एग फ्लाई यूजेस अदर टैक्टिक्स टू अवॉइड बींग ईटन। जैसे जनरली क्या होता है, या मैंने आपको बताया था कि बटरफ्लाइज के अंदर ये जो इनके विंग्स में जो ये पैटर्न होते हैं ये स्केयर अवे करने के लिए होते हैं, डराने के लिए होते हैं आपके प्रेडेटर्स को। तो सिमिलरली डनार्ड एग फ्लाई जो है इनके पास ये टेक्निक्स होती है, जैसे ये ब्राइट येलो दिखाने से क्या होता है कि आपका प्रेडेटर डर जाए। तो अब देखो जैसे ही अरब इजरायली पीस टॉक्स चालू हुए वैसे ही इसराइल ने फायर किया, ठीक है, वहां पैलेस्टाइन से फायर हुआ रॉकेट और रिप्लाई किया गाजा में, इसराइल ने फायर किया रॉकेट्स यहाँ से, तो पैलेस्टीनियन ने लॉन्च किया बिकॉज दे वर अपोज टू इट, तो पैलेस्टाइन ने फायर किया, तो पैलेस्टाइन को अपोज मतलब जो रॉकेट से उसको टैल चैलेंज करने के लिए इसराइल ने फायर किया, तो चालू हो गया। बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जापान के नए पीएम आ गए हैं सुगा साहब, हु प्लेजेस टू टैकल वायरस एंड किकस्टार्ट इकॉनमी। सो द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान आफ्टर शिंजो आबे जी स्टेप्ड आउट स्टेप डाउन इज योशिहिदे सुगा, सो विल कैरी ऑन द लेगेसी ऑफ शिंजो आबे। So Japanese new Prime Minister Yoshihide pledged to Wednesday to keep coronavirus infections under the control and kickstart economy in recession as Abe left office after record-breaking tenure. Aman, बिल्कुल बात सही है, हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, but personal details reveal करना थोड़ा problematic है। उसके अलावा Maldives had defended ties with India, so government says criticism can't stomach strengthen relations between the two sides. तो जब से नए आपके प्रेजेंट साहब आए हैं ये मोहम्मद सोली साहब, सो ही इज जनरली बीन कंसिडर्ड एज प्रो इंडिया। बाकी जो पहले थे यू नो उन लोगों का चाइना के साथ काफ़ी क्लोज लिंक्स थे, तो वो थोड़ा इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। बाकी फिक्की को एड्रेस कर रहे थे कल हमारे आरबीआई गवर्नर के जो गवर्नर साहब हैं शक्तिकांता दास जी, उन्होंने बोला रिकवरी नॉट येट एंट्रेंस, मे बी ग्रेजुअल, टाइम लगेगा रिकवरी आने में। और बाकी डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक थोड़ा इम्प्रूव हुआ है जब से इकॉनमी थोड़ी अनलॉक हुई है।
नॉट मच ओवर हियर देन, सो दिस इज इट व्हाट वाज मेजरली इन द न्यूज़. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रशिया हैज़ इंपैक्ट टू सप्लाई स्पुटनिक 5, और रशिया ने बोला लेकिन हाउ एवर डॉक्टर रेड्डीज को भी मैन्युफैक्चर करने का हमने कोई अग्रीमेंट नहीं दिया. एंड RDF जो है विल मैन्युफैक्चर 100 million डोज ऑफ द वैक्सीन, ऑफ विच रिपोर्टेडली हाफ विल बी अवेलेबल फॉर इंडिया. तो RDF जो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है, ये भी अभी लास्ट पेज पे दिया हुआ था, विच इज पायलटिंग द रशिया स्पुतनिक 5 कैंडिडेट वैक्सीन, करेंटली फेज 3 में, हैज पार्टनर विद हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी. बट RDF ही मैन्युफैक्चर करेगा इसको, अभी डॉक्टर रेड्डीज के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ इसको लेकर. सो ये जो है इंपॉर्टेंट है, देखते हैं बाकी कब आता है. उसके अलावा टाटा ने सबसे कम बिड किया है, 8.4%. आई ऑलरेडी मेंशन दिस. सो दिस इज गोइंग हाउ द न्यू पार्लियामेंट इज गोइंग टू बी. सो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग और उसके बगल में ये प्रपोज्ड एक प्लान है पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, जो नई पार्लियामेंट बनने वाली है. सो तो अभी जो एक आपको पता है दिल्ली मेट्रो में अलग अलग लाइंस हैं, ठीक है, ब्लू लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन. तो अब एक नई सिल्वर लाइन आ रही है जो तुगलकाबाद एरो सिटी कॉरिडोर से होगी, अनाउंस किया गया अंडर द फेज 4 मेट्रो प्रोजेक्ट. सो एक नया लाइन जो है, सो द 20 किलोमीटर कॉरिडोर कंप्राइजिंग 15 स्टेशन इज वन ऑफ द 3 कॉरिडोर्स कमिंग अप अंडर फेज 4. उसके अलावा वाइल द पिंक लाइन एक्सटेंशन इज प्रपोज टू बी 12 किलोमीटर लॉन्ग, दिस इज द न्यू लाइन विच विल बी लॉन्च्ड. स्टबल बर्निंग के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक पूसा की टेक्नोलॉजी उन्होंने बोला है. तो पूसा डीकम्पोजर नाम है बेसिकली. सो प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी इन पूसा युद्धवीर सिंह जी ने बोला है कि दिस बेसिकली इज अ कैप्सूल जहाँ पे डीकम्पोज किया जा सकता है आपके स्टबल को. सो द प्राइस ऑफ वन कैप्सूल इज जस्ट 5, वन विल नीड ओनली 4 कैप्सूल्स टू कैप्सूल कन्वर्ट 1 acre ऑफ फार्म वेस्ट इनटू यूजफुल कंपोस्ट. तो टैबलेट जैसी है, आपको बस 4 कैप्सूल चाहिए तो 20 रुपये में पूरा कंपोज हो जाएगा आपका, लगभग 1 acre का जो आपका क्या है स्टबल है. जो बेस्ट थिंग इज दैट इट हैज नो साइड इफेक्ट्स, मोर ओवर विद इट्स यूज फार्म वेस्ट गेट्स डिकम्पोज एंड बिकम्स कंपोस्ट. तो ऑन द साइट इसको हम बोलते हैं क्या, दिस कॉल्ड एज इन सीटू रेमेडिएशन टेक्निक. इन सीटू मीन्स ऑन द साइट. सो फार्मर्स आर इन्वाइटिंग प्रॉब्लम फ्रॉम देमसेल्फ बाय बर्निंग क्रॉप रेसिड्यूज ऑफ फार्म वेस्ट. सो इट इज सो चीप दैट देयर विल बी नो बर्डन ऑन द फार्मर्स. सो इट कंटेन्स, क्योंकि क्या होता है इसमें ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं उसको. सो इट कंटेन्स फंगस फॉर द क्रॉप्स, वन साइड ऑफ इट्स डिकम्पोज द फार्म वेस्ट एंड अदर साइड मेक्स द फील्ड फर्टाइल. सो दोनों दो बेनिफिट हैं, एक तो आपको स्टबल बर्न नहीं करना पड़ेगा, दूसरा एडवांटेज क्या है आपको कि ऑर्गेनिक मैन्यूर मिल जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग. तो उसमें वाला कैसे करना है आपको, बेसिकली जो एक 150 grams ऑफ ओल्ड जैगरी लेना है, उसको पानी में बॉइल करना है और सारा डर्ट निकल आएगा, और जैगरी को ठंडा करके उसमें लगभग 5 लीटर पानी में आपको ये 50 ग्राम जो है फ्लावर मिक्स करना पड़ेगा और 4 कैप्सूल मिक्स कर दो. इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक जीव अमृत जो हमने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में देखा था, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है कैप्सूल ऐड करना है बस. एंड आफ्टर मिक्सिंग इट वॉटर योर कॉम्पोस्ट इज रेडी. अरे भाई, इन सीटू इज नॉट जस्ट फॉर कोल, इन सीटू एक्स सीटू अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो आपका एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में भी आप यूज़ करते हो, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू कोल. तो ये है पूसा डिकम्पोजिशन. इसमें क्या है, आपने सब जैगरी मिक्स किया, पानी मिक्स किया, ठीक है, ग्राम फ्लावर मिक्स किया और उसमें 4 टैबलेट डाल दी, तो आपका 1 acre सोल्यूशन के लिए फार्म के लिए प्रिपेयर हो गया है पूसा डिकम्पोजर. ये हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है, रीसेटलमेंट को लेके इशू है ट्राइब्स में, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. हाँ, लोकसभा नॉट टू अमेंड द बैंकिंग एक्ट. सो लोकसभा ऑन वेंसडे पास एन अमेंडमेंट टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विच विल ब्रिंग कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ RBI. अभी तक नहीं आता था बिकॉज अभी स्टेट भी रेगुलेट करता था कोऑपरेटिव बैंक्स को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो फियास्को हुआ किसका, PMC बैंक, पता होगा आपको. सो इट विल ऑल्सो अलाउ द RBI टू अमालकमेट और रिकंस्ट्रक्ट अ स्ट्रेस कोऑपरेटिव बैंक विदाउट फर्स्ट इम्पोजिंग अ मोरेटोरियम, दस प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन और द डिपॉजिटर्स. सो द बिल विल रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस टू द सेम इफेक्ट प्रोमुलगेटेड ऑन June 26. तो जितने भी अभी तक ऑर्डिनेंस इशू किए हैं सबको अब पास किया जा रहा है पार्लियामेंट में. उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट देर शुड बी स्पीडी एंड अ क्विक ट्रायल अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रायल स्पेशली अगेंस्ट द सिटिंग फॉर्मर लेजिस्लेटर्स. 4,000 से ज्यादा केसेज हैं. सो दे आर 2,500 क्रिमिनल केसेज पेंडिंग अगेंस्ट सिटिंग MPs एंड MLAs. उसमें बोला कि इसको भाई आप एक काम करो कि मेक अ स्पेशल कोड फॉर इट. उसके अलावा नागालैंड में जो गवर्नर साहब है N. Ravi,
जो अभी इंटरलॉक्यूटर भी हैं नागा पीस अकॉर्ड को लेके, उनसे एक बेसिकली एक रिक्वेस्ट मांगी गई, वहाँ के लोगों ने बुलाया, एक ग्रुप ने किया है रिक्वेस्ट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है अमंग दी नागा ग्रुप्स। तो उन्होंने बोला है कि भाई एक एंटी ग्राफ्ट ग्रुप है सॉर्ट नागालैंड गवर्नर इंटरवेंशन चेकिंग दी अनअबेटेड टैक्सेशन बाई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। तो इट हैज़ अनॉयड दी नागा पोलिटिकल ग्रुप्स प्राइमरी द इसाक मोबाइल फैक्शन ऑफ नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो उन्होंने लिखा है लेटर में दैट देर आर यू नो काफ़ी ज़्यादा इलीगल टैक्सेशन हो रहा है वहाँ के लोगों पे, जो ये ग्रुप्स वहाँ पे डिमांड करते हैं लोगों से, एंड मोस्ट प्रोटेस्टेड ग्रुप्स बीइंग लेबल्ड एज गैंग्स। वही क्या है वहाँ पे गैंग टाइप लोग हैं जो लोगों से वहाँ पे पैसा वसूली कर रहे हैं, सो वसूली भाई टाइप्स। सो उन्होंने बोला कि इन सब चीज़ों को एंड करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वहाँ के गवर्नर साहब से। तो थोड़ा सेंसिटिव इशू है, यू ऑलरेडी सीन दिस बाय पब्लिश दैट। बाकी कपिला वत्साइन जी जो थी, शी वॉज अ वेरी फेमस एंड अ वेरी वेरी बिग नेम एंड अ पायनियर इन कल्चरल रिसर्च। सो शी पास्ड अवे एंड बॉर्न इन पंजाबी आर्य समाज फैमिली, नो ही वॉज वेरी वेरी वेल रिवर्ड एंड इंडिपेंडेंट एंड मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। सो हैविंग इम्बाइब द रिच कल्चरल वैल्यूज ऑफ ओरिएंटल डांस ड्यूरिंग हर स्टे शांतिनिकेतन, शी वेंट ऑन टू लर्न कथक फ्रॉम अच्छन महाराज एंड मणिपुरी फ्रॉम ध्रुव अमोबी सिंह। तो वैसे तो इस साल के एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पेपर ऑलरेडी बन चुका है, बट प्रॉबेबली आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है इनका नाम, आने वाले टाइम में इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा। कपिला वत्साइन जी, शी लर्न कथक एंड ऑल्सो शी लर्न भरतनाट्यम फ्रॉम गुरु मीनाक्षी एंड शी परफॉर्म द कथक रिसाइटल एट द फर्स्ट डांस फेस्टिवल हेल्ड एट फिरोज शाह कोटला ग्राउंड एट 1945। इन 1945 में शी वॉज द फर्स्ट वन टू परफॉर्म दिस। सो शी वॉज ऑल्सो पद्म विभूषण अवॉर्डी एंड काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट रोल रहा है इनका कल्चरल हिस्ट्री में रिसर्च करने के लिए। एंड शी वॉज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया ऑफ इंडिया टू यूनेस्कोज एग्जीक्यूटिव बोर्ड। बाकी मिमिक टू सर्वाइव मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये जो नाइड एग फ्लाई है ये लोग कैसे मिमिक करती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। सो दे बेसिकली मिमिक सिमिलर साइज प्लेन टाइगर अ टॉक्सिक बटरफ्लाई, तो वो उसको मिमिक करने की कोशिश करते हैं लाइक सो दैट प्रेडेटर्स डर जाए। तो वाइब्रेंट कलर्स जो हैं दे बेसिकली जो प्रेडेटर होता है उसे लगता है कि कहीं खाने से यू नो पॉइजनस ना हो, सो सिमिलरली दे ट्राई एंड मिमिक देम, ठीक है। बाकी ये लिस्ट ऑफ स्पेशल क्लासेस है मैं नोट्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। दीज स्पेशल क्लासेस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द अपकमिंग सेशंस। अगर आप देखोगे तो आज एक स्पेशल क्लास है टुनाइट, आर्ट एंड कल्चर की स्पेशल क्लास है 10:30 PM। इसके अलावा एक दो टॉपिक और हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में आए थे, दैट इज़ रिलेटेड टू योर, ये मैं एडिटोरियल का समरी भी आपको दे दूंगा जो हिंदू की आई हुई है रिगार्डिंग नेशनलिज्म। मालदीव वाला तो हमने देख ही लिया एंड इसराइल एयर स्ट्राइक्स कंपनी भी देख लिया हमने, सूगा भी साहब जो है नए हमारे वो हैं जापानीज प्राइम मिनिस्टर। बाकी ट्रेड डेफिसिट विद चाइना कम हो गया क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट उनसे कर नहीं रहे, तो अभी हमारे लिए थोड़ा अच्छा हो गया कि ट्रेड डेफिसिट थोड़ा कम हो गया। उसके अलावा 96 बिलियन इंपोर्ट अभी देखा होगा हिंदू के लास्ट पेज में थोड़ा मैंशन था, तो उन्होंने बोला इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉसिबल इतना कि अगर हम लोकली मैन्युफैक्चर करने लगे चीज़ें तो इतना पोटेंशियल है कि हम लोग इतने वर्थ वैल्यू प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं रादर देन इम्पोर्टिंग इट। तो इसको लेके न्यूज़ में आया था। बाकी काफ़ी सारे लग्जरी सेगमेंट्स हिट हुए हैं बिकॉज ऑफ COVID-19 पैंडेमिक, सो इवन रेंटल्स डिक्लाइन इन की मेट्रोज एज पैंडेमिक ड्राइव्स पीपल टू स्मॉलर टाउन एंड आउटस्कर्ट्स। तो चीपर रेंट अवेलेबल है आजकल अर्बन एरियाज में, राइट। सो देन सोलर साइकिल के बारे में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट थोड़ा नहीं काफी इंपॉर्टेंट है। गूगल अर्थ यूज होगा भी चलेंगे। सो व्हाट इज द सोलर साइकिल 25 अनाउंस बाय नासा बाय द एनओए साइंटिस्ट। तो सोलर साइकिल्स क्या होते हैं, ये आपके यू नो जो सरफेस है सन का वो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा एक्टिव है, इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस होती हैं, आपने सोलर स्टॉर्म के बारे में सुना होगा, तो काफी पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है। So since the gases on the sun's surface are constantly moving, these magnetic fields get stretched, twisted and tangled, creating motion on the surface which is referred to as solar activity. तो ये क्या होती है, generally it lasts on an average for a period of 11 years. तो नई solar activity आपकी चालू हुई है। तो आपने sunspots के बारे में सुना होगा, sunspot क्या होते हैं, generally darker दिखते हैं on the surface of the area of the sun, but they are comparatively cooler than the other parts of the sun. So they are almost as large as 50,000 kilometer in diameter and are visible markers of the sun's magnetic field which forms a blanket that protects the solar system. So the beginning of a solar cycle is typically characterized by only a few sunspots.
So scientists predict a solar maximum will be reached by July 2025 and this solar cycle will be strong as the last solar cycle. तो अब हम पढ़ते क्यों इसके बारे में, why it is observed and what is the significance? इसका basically होता है because it has impact on Earth's magnetic field and specially the auroras. क्योंकि जब भी solar cycle नया start होता है, sunspots ज़्यादा आते हैं, solar storms आता है, charged particles ज़्यादा inject होता है, जिसको हम coronal injection बोलते हैं एक तरीके से, तो वो क्या करता है, हमारी satellites को भी disrupt कर सकता है. और जो आइनोस्फीयर है वहां पे डिस्ट्रप्शन बहुत होता है. सो नासा नोज दैट द सोलर फ्लेयर्स एंड दीज आर द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजन इन सोलर सिस्टम. दे हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन रेडियो कम्युनिकेशन. इन मई 1967 द यूएस एयरफोर्स बैलिस्टिक मिसाइल एनर्जी सिस्टम रेडार साइट्स गॉट जैम ड्यू टू दिस फ्लेयर. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारा आइनोस्फीयर को थोड़ा स्टडी करने में और मददगार साबित होगा और उसके इम्पैक्ट. तो गोल्ड एंड आइकन मिशन गया है नासा का स्टडी करने के लिए इसीलिए. ठीक है जी. सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच एंड दीज आर स्पेशल क्लासेस. आई विल सी यू गाइस अगेन टुमारो एट 9:30 AM. कल 9:30 बजे मिलेंगे. और आज रात को स्पेशल क्लास अटेंड करना ना भूलें. टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा. अदरवाइज अनअकैडमी का मेरी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए. आज है स्पेशल क्लास आर्ट एंड कल्चर पे, रात को 10:30 बजे मिलेंगे. ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. सी यू ऑल. एंड आफ्टरनून या इवनिंग में एक क्विज करेंगे. आई विल शेयर द डिटेल्स ऑफ दैट ऑन टेलीग्राम ऑल्सो. राइट, चलिए. थैंक यू सो मच.